नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको राजस्थान की कट ऑफ, देखें किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहती है, कैसे कैसे आपको आपने तैयारी की थी, उसके अंदर क्या क्या कमी रही होगी। ठीक है, राजस्थान कॉन्स्टेबल में बहुत कम जाएगी कट ऑफ, कारण क्या रहता है ये मैं बताने वाला हूँ आपको। बिल्कुल सही कट ऑफ है, क्योंकि हमने एनालाइज किया है ऑफलाइन स्टूडेंट वगैरह से मिलके किस प्रकार से। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं ना, जितने नंबर मैं बताऊँगा उसको फिजिकल की आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर फिर भी आप कोई एल ए वगैरह का कोर्स ले रखा है, आप कहीं से आप लैब असिस्टेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हो या लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अगर आपको पता है 300 नंबर की साइंस आती है, उसमें से 100 नंबर की बायोलॉजी आएगी। 100 नंबर की बायोलॉजी यानी आपको 99 रुपये में, 500 वाली 99 रुपये में करके आपको दी जा रही है। बेटर इनरोल ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप ये कोर्स खरीद लें। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपके वहाँ से बायोलॉजी के, आप इस पे डेमो देख लीजिएगा पहले चैनल पे जाके, अगर बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ 90+ ठीक करवाने की मैं गारंटी देता हूँ, 90+ उसके अंदर आपके ठीक हो जाएंगे। अगर आप पूरा कोर्स देख लेते हो तो इतना ज़बरदस्त कंटेंट आपको पढ़ाया गया है। आप पहले आप डेमो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप उसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। इतनी ज़बरदस्त तरीके से पूरा कवर करेंगे, 90+ आपके क्वेश्चन ठीक करवाने की गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। अगर उसके बाद हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपके कितने थे, कॉन्स्टेबल के अंदर 150 क्वेश्चन थे, 120 मिनट आपका टाइम था, कितना था, 2 घंटे का आपका टाइम था, यानी टाइम क्वेश्चन को देखते हुए टाइम बहुत कम था। इसीलिए आपके बहुत क्वेश्चन रहे होंगे, आपने देखा होगा अभी अटैम्प्ट हो गए बगैर रह गए होंगे, आपको आते थे लेकिन अटैम्प्ट नहीं हुए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, ठीक है। इतना आसान पेपर नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिए हुए थे इस प्रकार से, तो उस चीज़ को हमने देखते हुए क्या है भी, और एक साथ में टाइम कम था, दूसरा नेगेटिव मार्किंग थी, तो सारे अटैम्प्ट करने भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए, गलत ज़्यादा हुए सही को खा जाएगा, ठीक है ना। यानी 4 के पीछे एक क्वेश्चन, अगर 4 गलत हो गए तो एक क्वेश्चन सही वाला भी चला जाएगा, ये आपको पता भी है। जैसे मैं मान कर चलता हूँ भी एक अच्छा स्टूडेंट 120 से 130 तक पहुँचा होगा, एक अच्छा स्टूडेंट है जो बहुत प्रैक्टिस की है, जिसने कई दिनों से लगा हुआ है, रेगुलर तैयारी कर रहा है, वो 120 से 130 क्वेश्चन तक 120 क्वेश्चन पहुँचे, उसने 100 मान लो सही किए और 20 उसने गलत कर दिए मान लो, ठीक है। तो 100 में से कितने गए, 20 के 5 नंबर गए, ठीक है, 95 नंबर बचे। एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, 95 से 100 क्वेश्चन नंबर उसके बचे, 95 से 100, ठीक है, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है, 95 से 100। अब देखते हैं भी कम रहने का कारण क्या, नेगेटिव मार्किंग, बहुत कम समय आपका, लेंथी पेपर था थोड़ा, ठीक है, मॉडरेट लेवल का था, क्वेश्चन थोड़े अच्छे से, थोड़े लेंथी थे, यानी बड़े बड़े सवाल दिए गए थे आपको, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी थी। उसके बाद देखो, अगर देखा जाए, मान लो आपके 4500 लगभग पोस्ट है, 5 गुना बंदे बुलाए जाएंगे, यानी 20,000 से 25,000 बंदे आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, यानी 5 गुना बुलाए जाएंगे, कितने गुना, 5 गुना। अब फिजिकल में भी रह जाते हैं कुछ, कोई पढ़ने में होशियार होते हैं लेकिन फिजिकल के अंदर रह जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, मेरिट पे फाइनल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत लोग रह जाते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई भाग नहीं पाते, कोई किसको कोई दिक्कत हो जाती है, इस प्रकार से अच्छे बच्चे भी रह जाते हैं, ठीक है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है, अब की बार आपको पता ही होगा भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की किसी की कम रहेगी, किसी एवरेज कट ऑफ क्या रह सकती है, अभी आप किस फिजिकल की तैयारी किस कट ऑफ तक कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ बताएंगे भी। जर्नल जो है ना, जर्नल की 80+ नंबर आपके, अगर 80+ है, 75+ भी नंबर है, तो मैं कहता हूँ फिजिकल की तैयारी कीजिएगा आप, 70, 75, 80 तक भी आप, 80+ तो बहुत अच्छा स्कोर मान लो, तो आप तैयारी कर सकते हो। ओबीसी का 80+ मेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पुरुष की बात कर रहे हैं, 65+ एसटी का है, तो वो भी आप तैयारी कीजिएगा। महिला में 75+ आपके लगभग 70 से 70+ भी है, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, 75+ पे अच्छा बढ़िया स्कोर है, 65+ और 60+ एसटी का महिला जो है, ठीक है। सेफ स्कोर आपका 100 है, तो आप फाइनल सिलेक्शन के करीब हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको, 100 यहाँ पे भी है तो आप फाइनल सिलेक्शन, 90 यहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन, 85 यहाँ पे है तो भी आपके फाइनल सिलेक्शन के आप करीब हैं, ठीक है ना, एसटी के 85 क्वेश्चन, बाकी इससे कम ज़्यादा भी रह सकती है मेरिट, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग मेरिट जाने वाली है, तो किसी डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा भी जा सकती है, किसी की कम जा सकती है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन का बढ़िया माहौल है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लोग बढ़िया तैयारी करते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट के करीब के बच्चों का बढ़िया, मतलब
रिजल्ट रहने वाला है, और जहाँ पर मतलब कम है एजुकेशन है, ये कह सकते हो जहाँ पर लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह या कॉन्स्टेबल के अंदर, तो वहाँ पे कम भी जा सकती है, ठीक है ना। बहुत लोगों ने पेपर दिया होगा आपने देखा, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे के इतने नंबर तो आप फिजिकल की तैयारी करें ताकि आप फिजिकल में नंबर तो आ जाए लेकिन आप फिजिकल में रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा अच्छी मेहनत करें, 1-1.5 घंटा डेली मेहनत कर लें, आपका शरीर भी अच्छा रहने वाला है आप अच्छी मेहनत करेंगे तो, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी रेलवे ग्रुप डी की हो चाहे एलए की हो, चाहे आप किसी जिसके अंदर साइंस आती है, आपको पता ही है, तो उसके अंदर साइंस आती है तो मैं 90% प्लस आपकी क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। आप बायोलॉजी स्पेशल का वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं बेटरी इन रो पे, 100 क्वेश्चन भी आते हैं एलए में, मान लो तो मैं कहता हूँ भी 90+ आपके क्वेश्चन में ठीक करवाने की गारंटी देता हूँ। आप पूरा बैच ले लेते हो तो, पूरा बैच देखते हो तो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।